नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089 7523 8445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ यारो पेड क्विज लगातार हम देख रहे हैं, अगला वीडियो देखते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे इन कोर्सेज में एडमिशन लेना अगर आप चाहते हैं तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे होंगे, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए कहा जा रहा है आपसे कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो भारत में अलग अलग जो हमारे ये यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं या और अन्य चीज़ें हैं उसके उत्पादन से संबंधित कुछ क्रांतियाँ हैं अलग अलग समय पर शुरू की गई हैं। ठीक, तो उसी क्रम में अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा गलत है। तो जैसे अब अंडे के उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवोल्यूशन कहते हैं इसको, बिल्कुल ये ठीक है। ब्राउन रिवोल्यूशन जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं या फिर कह लीजिए फर्टिलाइजर का जो हमारा ये है प्रोडक्शन, इसके संबंध में है। फिश प्रोडक्शन से ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है और रेड रिवोल्यूशन, अभी हमने फर्टिलाइजर के संबंध में देखा कि ब्राउन को यहाँ पे एसोसिएट कर देते हैं इससे, रेड रिवोल्यूशन जो है संबंधित हो जाता है हमारा इसके मांस के उत्पादन से। ठीक है, मांस या फिर जो है टमाटर भी इसमें कवर किया जाता है। ठीक, तो ये डी वाला हमारा गलत हो जाएगा, बाकी के तीन ठीक है। इसी क्रम में देखिए फिर से कौन सा युग्म फिर से सही नहीं है। तो इसमें पीली क्रांति जो है ये हमारी संबंधित है किस चीज़ से, तिलहन के उत्पादन से यानी कि जो ऑयल सीड्स होते हैं उसके प्रोडक्शन से। अगर हम फल की बात करें तो फल से संबंधित होता है हमारा ये गोल्डन रिवोल्यूशन है ना, स्वर्ण क्रांति कह लीजिए, सुनहरी क्रांति इसको कह लीजिए। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें भी देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमने बात की इसकी मीट प्रोडक्शन की, रेड रिवोल्यूशन था ना वो, तो ये जो पिंक वाला होता है इसमें जो ये होती है झींगा मछली है ना उसके उत्पादन से कई बार इसको संबंधित करते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो युग्म किस प्रकार से बना है कि हमारी जो क्रॉपिंग सीजन्स होती हैं रबी खरीफ और जायद, तो उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक, तो देखिए इसमें गलत कुछ भी नहीं है क्योंकि जिस फसल के जो हमारे क्रॉपिंग सीजन की फसलें हैं वो उसी के साथ लिखी हैं। तो यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे, इसको एक बार देख लीजिए खरीफ में क्या है, रबी में क्या है और जायद में क्या है। अगला देखिए, रबी की फसल की बुआई किस महीने में की जाती है। तो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है ये रबी की क्रॉप का ही सीजन चल रहा है, इसकी बुआई मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर के महीनों में की जाती है। ठीक, फसल अभी हमने कुछ ऊपर देखी थी और इसके कटाई की अगर बात करें तो इसमें बोई जाने वाली फसलें मार्च और अप्रैल के महीनों में काटी जाती हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक गेहूं की प्रमुख किस्म नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा हिमानी। ठीक है, हिमानी आपका उसका है जौ की वैरायटी है। ठीक, हिमानी, इसके अलावा ज्योति, कैलाश, इस प्रकार की जो वैरायटीज हैं, बाकी यहाँ प्रताप, अर्जुन, सोना, ये सब गेहूं की वैरायटीज हैं। देखिए तंबाकू के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ठीक, टोबैको जो आप लोग खाते, मतलब कुछ लोग खाते होंगे तो आप जानते ही होंगे क्या होता है कैसा होता है। ठीक है, तो उसके संबंध में अगर देखें कुछ फैक्ट्स को तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून का जो है एक प्रकार का पौधा है। 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता इसको होती है, बलुई दोमट मिट्टी जो होती है उसमें मुख्य रूप से बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इसकी पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया जो है उसको रचाई कहते हैं। ठीक, ये टर्म हो सके तो याद रखें। इसमें जो है उसको एक, उसमें जो स्मेल होती है और उसमें जो कलर चाहिए होता है तंबाकू, इन सब गुणों की इसमें कह लीजिए वृद्धि होती है इस माध्यम से। तो गलत इसमें जो है कुछ भी नहीं है, डी विकल्प को हम चुनेंगे। अब देखिए नारियल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। नारियल की जो फसल होती है मुख्य रूप से आप देखते हैं कि जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है उसका पौधा ये, साउथ इंडिया में आप मोस्टली देखते हैं ये काफ़ी अच्छा जो है इसकी प्रोडक्शन वगैरह होती है। तो इसमें क्या है कि 20 सेंटीमीटर लिखा है तो ये तो सरासर गलत बात हो जाएगी, इतना कम नहीं चाहिए होता भाई, कम से कम जो है 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा की इसको बारिश चाहिए नारियल के फसल को अच्छे से ग्रो करने के लिए। ठीक, और यहाँ पर देखिए स्टेट्स जो लिखे हुए हैं इन सब में ये इसको जो है उगाया जाता है, तो इसमें जो है बी विकल्प को चुन लेंगे, गलत था ये। इसमें देखिए पहले से थोड़ा टिक लग गया था, कोई नहीं।
चाय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो चाय की जो एक फसल होती है उसके संबंध में देखेंगे तो इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, गर्मी वाला एक तरीके से कह लीजिए मौसम जो है। इसमें श्रम प्रधान कृषि है क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, जो पत्तियाँ वगैरह होती है उसको चुनने के लिए, ठीक। और इसके उत्पादन में सिक्किम का प्रथम स्थान है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम देखेंगे तो असम जो है वो प्रथम स्थान पे होता है, तो यही वाला गलत था, है ना। इसको यहाँ पे देख लीजिए टिक लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और तथ्य लिखे हुए हैं कृषि से संबंधित, उस क्रम में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दालों के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान नहीं है, इंडिया का है, इंडिया का कंजम्पशन में भी और प्रोडक्शन में भी सबसे पहला स्थान है, ठीक। बाकी के विकल्प जो हैं वो ठीक हैं, इनको देख लीजिए जो संबंधित फसलों के लिए सही तथ्य हैं। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सबने जरूर पढ़ा होगा, जर्मन साइंटिस्ट थे, काफ़ी जाने माने हैं अपने सभी प्रयोगों के लिए और कॉन्सेप्ट्स के लिए, ठीक। तो उसी क्रम में अगर हम देखें तो लगभग इसमें वर्ष 1905 में 3 रिसर्च पेपर इनके पब्लिश हुए जिससे इनको एक विशेष ख्याति प्राप्त हुई, ठीक। इसमें पहला जो रिसर्च पेपर इन्होंने दिया उसमें इन्होंने क्वांटा के बारे में बताया था, ठीक है, जिसे आप फोटोन के नाम से जानते हैं, ठीक। दूसरा वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि दूसरे शोध पत्र में इन्होंने ब्राउनी गति के सिद्धांत का विकास किया, और तीसरे रिसर्च पेपर में अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का जो रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो तीनों ये रिसर्च पेपर जो है प्रकाशित हुए थे 1905 में, इसको भी ध्यान रखिएगा, और उससे इन्होंने जो है आगे अपने अलग अलग जो है सिद्धांत दिए, ठीक। तो दोनों इसमें जो है वो ठीक है। दो कथन फिर से हैं, कौन सा गलत है ये देखना है। तो स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वॉटसन, इन्होंने 1930 में पहली बार प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया, ठीक है। तो जो आप इसमें एविएशन में देखते हैं ना, रडार टेक्नोलॉजी जैसे यूज़ की जाती है, ठीक है, तो इसका विकास 1930 में जो है स्कॉटलैंड के एक फिजिसिस्ट थे रॉबर्ट वॉटसन, इन्होंने किया, जिसमें इसको फर्दर मतलब मेनली उस समय इसलिए डेवलप किया गया था वर्ल्ड वॉर टू में जो है इसको यूज़ किया गया, ठीक है। तो हवाई हमले से वही जो है पूर्व सूचना के लिए इस सिस्टम को डेवलप किया था, तो ये तो ठीक है। दूसरा है जेम्स पकल को मशीन गन का पिता कहा जाता है, तो मल्टी शॉट जो गन्स डेवलप की गई पहली बार लगभग 1718 के आसपास, ठीक है, इन्होंने ही किया था जेम्स पकल ने, तो इसलिए इनको जो है मशीन गन का पिता कहा जाता है। तो दोनों उसमें सही है, गलत कुछ भी नहीं है। अगला है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, ठीक। तो इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो हमने आगे चल करके जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए, तो इसकी शुरुआत अगर एक तरीके से माना जाए तो इसके जनक भारत में माने जाते हैं कौन, होमी जहांगीर भाभा, ठीक। बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सब फैक्ट्स ऐसे ही पूछा जाता है तो याद करते चलिए एकदम। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फिर से, तो हमारे कुछ सिटीज़ और सेंटर्स हैं जो कहाँ पे स्थित हैं ये लिखा हुआ है, तो उसी क्रम में जो ये हाईटेक सिटी है ना, एक ये जो है फुल फॉर्म है इसका हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे करके, तो ये सिटी डेवलप की गई हैदराबाद में ही, तो कानपुर यहाँ पर गलत लिखा है, बाकी ऊपर के तीन जो हैं वो ठीक हैं, इसको देख लीजिए एक बार। आगे देखिए केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान किस शहर में स्थित है, तो ये जो है यहाँ है आपका सारनाथ वाराणसी में, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़ बुद्धिज्म वगैरह के स्टडी के संबंध में 1967 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था यहाँ पे। अगला संस्थान है राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है आपका कर्नाटक में है, बेंगलोर में। अब इसमें देखिए फिर से कौन सा कथन सही है, तो हर गोविंद खुराना जिनके बारे में अभी हमने ऊपर बात की, इनको वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दूसरा है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो हैं इनको 1930 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा क्योंकि इनको मिला है उसमें 1983 में, है ना। 1930 की बात करें तो सीवी रमन जो हैं, ठीक है, इनको मिला था फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, ठीक, उन्हीं के भतीजे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना, इनको 1983 में मिला है। तो पहला सिर्फ गलत मतलब सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है, जेबी नर्लीकर ने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो अभी हमने ऊपर भी थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की थी, है ना, तो उसके संबंध में एक नया कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए थे, इसके बारे में डिटेल में भी थोड़ा देख लीजिएगा। ये बिल्कुल हमारा ये वाला कथन तो ठीक है। सीवी रमन ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्रेस्कोग्राफ जो है ये एक प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिज़ाइन किया था जगदीश चंद्र बसु ने, है ना, तो ये गलत हो जाएगा सीवी रमन, तो यहाँ पे दूसरे को चुनेंगे।
दो स्टेटमेंट फिर से है, देखिए कौन सा सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर बीम का सर्वाधिक उपयोग संवेदनशील जो शल्य चिकित्सा होती है, जैसे आंखों में कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, इस प्रकार के ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। तो लेज़र बीम टेक्निक का यूज़ करके आजकल जो है व्यापक रूप से ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ था। अगला है कि देखिए स्टार्स के संबंध में है कि अत्यधिक घनत्व वाले जो कॉन्स्टलेशन यानी कि नक्षत्र होते हैं आकाशगंगा में आप जिन्हें देखते हैं उसको न्यूट्रॉन तारे कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है ठीक है, दोनों को चुन लेंगे। अगला देखें, बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है, तो ये जीता था पीवी सिंधु ने, बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, क्रिकेट के महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी 2025 में कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2025 में आयोजित होगा ये इंडिया में, ठीक। आगे देखें, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो देखिए नीरज चोपड़ा ने जो है टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक। और उसी क्रम में यहाँ पे जो विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक स्पर्धा होती है उसमें भी पहली बार जो है किसी ने भारतीय ने जीता मेडल, तो इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक। यहाँ पे बी विकल्प। अगला देखिए, दो स्टेटमेंट फिर से है, पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, करेक्ट है। द फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी वाज प्रभाकर फर्स्ट, है ना, तो ये गलत है। देखिए विंध्य क्षेत्र आप जो देखते हैं इधर, जैसे नागपुर वगैरह कह दिया, तो यहाँ पे इस वंश का उदय हुआ, इसका जो कह लीजिए ये था आपका फाउंडर, ठीक है, उसका नाम था विंध्य शक्ति प्रथम, ठीक। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि द अर्ली कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कंचनका एंड नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन जो है उसको आप वर्तमान में नागपुर के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये सब इनकी राजधानी थी, बाद में प्रवरपुर जो है ये भी राजधानी बनती है वाकाटक वंश की। तो ये दोनों कथन जो है यहाँ पे दिए हुए थे, पहला गलत था दूसरा सही है, तो दूसरे को चुनेंगे। फिर से देखिए कौन सा सही है, वाकाटक वंश के प्रथम शासक, अभी देखिए बताया गया आपको कि विंध्य शक्ति था, तो इसने कोई राजकीय उपाधि धारण नहीं की थी, जैसे उस समय पे जो शासक होते थे ये इस समय के शासनकाल में, तो जैसे महाराजा महाराजाधिराज इस तरह की उपाधियां लेते थे ना, तो इसने कुछ भी नहीं धारण की थी, ठीक है ये। दूसरा है कि हरिश्रेण के अजंता लेख में विंध्य शक्ति को वंश केतु एवं द्विज कहा गया है, ठीक। तो ये दो टर्म यूज किए गए हैं, हरिश्रेण जैसे आप प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं उसी क्रम में अजंता लेख भी इनके द्वारा रचा गया, उसमें यहाँ पे वंश केतु एवं द्विज कहा गया है। इसके अलावा विंध्य शक्ति की जो उपलब्धियां हैं उस समय की, है ना, उसका भी विवरण हमें इस अजंता लेख से मिलता है, तो इसमें दोनों ठीक है। आगे देखिए, प्रवर सेन को पुराणों में क्या कहा गया है, तो अभी विंध्य शक्ति के बारे में हम देख रहे थे, विंध्य शक्ति के बाद जो है प्रवर सेन शासक बनता है वाकाटक में, और इसने उपाधि धारण की थी धर्म महाराज की, है ना, इस टर्म को चाहे तो याद रखिए धर्म महाराज। तो यहाँ पे पुराणों में इसको जो है संदर्भित किया गया है प्रवीर नाम से, ठीक, ये ध्यान दीजिए, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा, अभी बताया गया आपको किस वंश का था। अब देखिए दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है देख लेते हैं। गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे हम, पुष्यभूति राजवंश का चौथा शासक प्रभाकर प्रथम था, तो देखिए ये पुष्यभूति राजवंश जो है इसके बारे में जो जानकारी मिलती है तो हर्षचरित, है ना, एक जो पुस्तक है हर्ष का जीवन वृत्तांत बड़भट्ट के द्वारा लिखी गई थी उससे एक मिलती है, और ह्वेन सांग जो था, है ना, उसके वृत्तांत से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इनके बारे में प्रॉपर रूप से मिलती है। तो मुख्य रूप से जो है वास्तविक जो है कह लीजिए आधारशिला रखने वाला प्रभाकर वर्धन था, ठीक है, पुष्यभूति वंश का। और दूसरा है कि सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक प्रभाकर वर्धन था पहला। तो अभी जैसे टाइटल्स की हमने बात की, तो अब महाराजा धीराज जो है इसने अडॉप्ट किया, तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन जो है यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। अगला है कि रसायन एवं सुशयन किस शासक के राजवैद्य थे, ठीक है, तो ये भी जो है इसी आपके प्रभाकर वर्धन से ही संबंधित थे, है ना, इनके टाइम पीरियड के। देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पे जो शॉर्ट में क्वेश्चंस के माध्यम से कवर की जा रही हैं, तो डिटेल में जरूर पढ़ें, अदरवाइज ही कुछ दिन के बाद आपको ये फैक्ट के रूप में जो है ये भूल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहा उसका। तो प्लीज़ इसको जो है अपने नोट्स वगैरह में से फर्दर देखते चला करिए। अब देखिए मैत्रक वंश से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो मैत्रक वंश जो है गुप्त शासकों के अधीनस्थ शासक थे जिन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र का जो रीजन है ना यहाँ पर शासन कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था।
तो ऐसा कुछ जो छोटे छोटे डायनेस्टीज और ये सब हैं इनके बारे में चूंकि चीज़ें पूछी जाती हैं तो पता होना ज़रूरी है। तो ये कथन ठीक है मैत्रक शासकों के बारे में। दूसरा है कि इस वंश में ध्रुवसेन द्वितीय जो है ये सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ, तो ये बात भी ठीक है। हर्षवर्धन का समकालीन था ये, है ना, और उनकी पुत्री से विवाह भी किया था ध्रुवसेन द्वितीय ने, तो दोनों कथन जो है इसमें ठीक है। अगला एक और वंश है मौखरी, है ना, इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे अब गलत है हमको ये देखना है, तो देख लेते हैं। दो कथन हमारे पास दिए हुए हैं जिसे, तो पहला है कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शासन करते थे, तो वर्तमान का आप जो कन्नौज का जिला देखते हैं उसके आसपास में यहाँ पे इनका शासन हुआ करता था। और कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आपने सुना होगा, जैसे आपके जो ये लेख वगैरह थे जो भी इंस्क्रिप्शन थे उनको डेसिफर करने में, है ना, काफ़ी एक प्रमुख भूमिका निभाई है इसने भारतीय इतिहास में। तो मौखरी एवं मौर्यों में जो मौर्य शासक हुए उनमें समानता इसने बताई है, ठीक। तो ये भी हमारा कथन जो है ठीक है, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे। देखिए इन चीज़ों को डिटेल में थोड़ा पढ़िए क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो अब है कि मौखरी वंश के शासक जो थे किसके उपासक थे, तो अब जो हमारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे ये सूचना मिलती है कि ये जो है शिव के उपासक थे, ठीक। अब देखिए लोक लेखा समिति जो संसद की है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए इसका जो कह लीजिए इसकी उत्पत्ति होती है, इसका गठन सबसे पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से आप जिसको जानते हैं, तो इसके अंतर्गत पहली बार इसको जो गठित किया गया, प्रावधान तो 1919 के एक्ट में आया था लेकिन पहली बार गठन हुआ था 1921 में, है ना, 31 गलत दिया हुआ है तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा है कि वर्तमान में जो हमारी संसद के संबंध में लोक लेखा समिति काम करती है, ठीक, तो इसमें जो है 22 सदस्य हैं, तो ये ठीक है। इसमें 22 में जो 15 है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से, तो दूसरा जो है वो सही है। आगे देखें प्राकलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी की बात हो रही है, तो जो सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है उसी को बोलते हैं आप एस्टिमेट कमेटी, ठीक। तो इसके संबंध में देखें कौन सा कथन सही नहीं है, तो इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जो इसका गठन किया गया 1950 में उसकी सिफारिश सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी बल्कि जॉन मथाई ने की थी, ठीक, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर है कि वर्तमान में प्राकलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 है, तो आपको ये पता होगा कि जो है पहले इसमें जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो उस समय 25 की संख्या होती थी, बाद में चल करके 1956 में इसकी संख्या बढ़ा करके 30 की गई है, तो वर्तमान में 30 सदस्य होते हैं जो कि सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिए इसमें राज्यसभा का कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा, पहला। अगला देखिए सार्वजनिक उद्यम समिति से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देखेंगे इस कमेटी को जो है कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित किया गया, तो ये बिल्कुल ठीक है, 1964 में पहली बार इसको बनाया गया था। अगला है कि 1974 में इस समिति की संख्या बढ़ा करके 22 कर दी गई, तो सदस्य की संख्या जो है जब 1964 में बनाई गई थी ये कमेटी तो उस समय 10 लोग राज्यसभा से होते थे, 10 मेंबर और 5 राज्यसभा से, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा, तो 15 कुल हुए, तो उसके बाद जो है 1974 में बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 22, तो अब इसमें जो है 15 लोकसभा से हैं और 7 जो है वो राज्यसभा के हो गए, तो यहाँ पे सही कौन सा है, दोनों ठीक है, ठीक। इसमें देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है, कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित दर्शनीय स्थल जो हैं कहाँ पे स्थित हैं उनकी लोकेशन और उनका नाम है, तो रूमी दरवाज़ा जो है वो लखनऊ में है, डी विकल्प वाला गलत हो जाएगा, बाकी के 3 ठीक हैं। अगला देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है फिर से, तो वही दर्शनीय स्थलों की सूची में ही चक्रतीर्थ नैमिषारण्य की लोकेशन कौशाम्बी में लिखी है, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी लोकेशन जो है कहाँ पे है, सीतापुर में है, ठीक, बाकी के विकल्प ठीक हैं, इनको देख लीजिए। अब देखिए इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है, तो अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं इसमें कामदगिरी पर्वत जो है ये चित्रकूट में है, ललितपुर वाला गलत हो जाएगा, ठीक। इसमें भी देखिए क्या सुमेलित नहीं है, तो सीताकुंड घाट सोनभद्र लिखा है ये सुल्तानपुर से संबंधित है, ये वाला इसमें गलत हो जाएगा।
देखिए यूपी जीके भी बहुत ज़रूरी है, उसी संबंध में इन चीज़ों को भी ध्यान से देखें और यूपी जीके के बहुत सारे फैक्ट जो है कवर करिए। यूपीपीएससी आयोग जो है कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता है, तो अनसर्टेन है ना, तो इसलिए आपको जो है ये चीज़ें ध्यान रहें। उसी क्रम में अब इसमें भी देखिए क्या गलत है, तो ये जो तीनों चीज़ें लिखी हैं कहाँ पर स्थित हैं, रजा लाइब्रेरी जो है रामपुर में है, माता राजेश्वरी टेम्पल जो है उन्नाव, और अशफाकुल्ला का जो मज़ार है शाहजहाँपुर, तो तीनों सही है। इसमें भी देखिए क्या सुमिलित नहीं है, तो बाबा सोमनाथ जी का मंदिर जो है उन्नाव लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। अगर इसके हम लोकेशन की बात करें तो ये देवरिया में स्थित है, ठीक है। विश्व शांति फोरम 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो चाइना में जो है एक सिंगुआ यूनिवर्सिटी है, ठीक, तो उसके माध्यम से 10वां संस्करण था ये, एक वहीं पर चाइना में ही बीजिंग में इसको आयोजित किया गया था, तो बी विकल्प को चुनेंगे। अगला है भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो ये भी जो है 10वां एडिशन था भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता का, जो ह्यूमन राइट्स है उनको बढ़ावा देने के लिए भारत और यूरोपीय संघ जो यूरोपीय देशों का समूह है यूरोपियन यूनियन, उसके मध्य ये कंडक्ट किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक। इसमें जुलाई 2022 के आसपास जो है ये चीज़ ऑर्गेनाइज की गई थी। आगे देखें G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 में किस देश में आयोजित की गई, तो इंडोनेशिया में जो है, चूंकि इसकी बैठक हुई ओवरऑल वही अध्यक्ष था तो वहाँ पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। अब 2023 में इंडिया के पास जो है इसकी मेंबर वो है अध्यक्षता है और हम इसको आयोजित करेंगे जो है इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में, ये भी ध्यान रखिए। अंतिम प्रश्न देखिए आज का, कौन सा कथन इसमें सही है, मौखरी वंश की बात अभी हमने ऊपर भी की थी, तो इसकी जानकारी अगर हम देखें तो मौखरी वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है ये असीरगढ़ का जो ये मुद्रा लेख है और हरहा लेख, ये दो जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक। और दूसरा है कि असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार ईशान वर्मन को मौखरी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, दोनों कथन हमारे इसमें सही होंगे। इसमें थोड़ा देखिए, जैसे ये आपका ईशान वर्मन जो है, ठीक, तो ये इसके मतलब मतलब ये जब रूल कर रहा था तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, वास्तविक संस्थापक खैर माना ही जाता है, तो कन्नौज के रीजन में इनका शासनकाल हुआ करता था, ठीक। लेकिन इसके जो है ईशान वर्मन में देखेंगे तो एक्सटेंड होकर के साम्राज्य आंध्र प्रदेश उड़ीसा इधर बंगाल के रीजन तक भी जो है फैलता है, ठीक। और पाणिनी के द्वारा जो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है उसमें भी मौखरी शब्द की जो है के बारे में उल्लेख किया गया है, ये भी एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये भी, ठीक। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे जो है ठीक हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड ही बताया जा सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बता ही नहीं सकते आपको, टाइम की हमारे पास शॉर्टेज होती है इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कॉमेंट करके बताइए, हम आपको फिर अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।